अजित पवार ने नए गठबंधन का ऐलान कर दिया है। महायुति होगा नए गठबंधन का नाम। ये बड़ी खबर इस वक्त की। महायुति में बीजेपी, शिवसेना और अजित गुट। शिवसेना यानी कि शिंदे गुट, बीजेपी महायुति इसका नाम होगा। तो एक तरफ वहां पर महाराष्ट्र अघाड़ी की सरकार चली, जिसको बाद में वो खत्म हुई, उद्धव ठाकरे की पार्टी में फूट पड़ गई। उसके बाद एक नया गठबंधन बना, शिंदे गुट की अगुवाई में शिवसेना बनी और बिल्कुल वैसा ही, ऐसा लग रहा है सारी चीजें बिल्कुल वैसी की वैसी रिपीट हो रही हैं, शिवसेना वाली ही। लेकिन इस बार पार्टी अलग है और वो है एनसीपी। अजित पवार की ओर से बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस नए गठबंधन का ऐलान किया गया है। वज्रमूठ टूट गया है और महायुति नए गठबंधन का नाम होगा। नया गठबंधन महाराष्ट्र के विकास को नई दिशा देगा। ये बड़ी बातें अजित पवार की ओर से कही गई हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं। अगले साल वहां पर लोकसभा के इलेक्शन भी होने हैं और इसी के साथ ही साथ अगले साल ही विधानसभा के भी चुनाव होंगे। इस लिहाज से महायुति इस नए गठबंधन के साथ अब महाराष्ट्र की ये जो सियासत है वो किस करवट बैठेगी, इस पर दोनों ही मेहमानों के साथ सुधांशु जी और अभय जी जवाब देंगे। लेकिन उसके पहले धीरेन्द्र जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लें आप। वो कह रहे हैं कि देखिए, अभी जदयू प्रवक्ता बोल रहे थे चित्रा जी, हाँ, महाराष्ट्र की वो जिक्र कर रहे थे कि कल तक प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार में जो युक्त है उन लोगों को हम कार्रवाई होगी। हमने तो सुना है, सुधांशु जी को बढ़िया से पता है कि अगर डाकू भी होते हैं, पुलिस अगर करती है, तो उनको भी आत्मसमर्पण का मौका दिया जाता है। और देश में कई ऐसे उदाहरण है, मोहर सिंह, मलखान सिंह से लेकर कई लोग, उनको भी मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। कांग्रेस के मित्र हमारे सुन रहे हैं, आप लोग भ्रष्टाचार में ही सरकार से बाहर गए थे। अगर लोग उन पर आरोप नहीं तय हुआ है, अभी सरकार में वो आए हैं, लेकिन आप बताइए कि जनता दल यू ने जिससे हाथ मिलाया बिहार में, उनको तो कोर्ट ने सजा दिया है ना भ्रष्टाचार में। तो आपके पास भ्रष्टाचार से बचने के कौन से ऐसे तर्क दे रहे हैं जिससे जनता आपको दोबारा आपकी बातों में आएगी। मैंने पूछा था कुल कितने विधायक आपके संपर्क में हैं, कुछ लोगों का नाम भी क्या आप बताना चाहेंगे। इसके लिए धीरेन्द्र जी आप तैयार नहीं हो रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि सारे के सारे विधायक। ठीक है, अब मैं जरा आ जाती हूँ, आरजेडी के महासचिव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी एक टिप्पणी ले लेती हूँ। चितरंजन गगन जी हमारे साथ मौजूद है। चितरंजन जी, देरी से आ रही हूँ आपके पास, लेकिन सीधा से सवाल है। पटना में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उन तमाम 17 दलों की, उस दौरान मेरी भी मौजूदगी थी, लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी के नाम को आगे बढ़ा दिया और माना जा रहा है अलग अलग हिस्सों में ये जो टूट फूट चल रही है वो राहुल के नाम के कारण ही चल रही है, तो ये दांव उल्टा पड़ गया क्या चितरंजन जी? चित्रा जी, पहले मैं आपके इस बात का खंडन करता हूं कि लालू जी ने जो है सो जो कहा उनको शादी करने के लिए, तो उसको पोलिटिकल रूप दिया जा रहा है, या जो है सो एक भाजपा का प्लानिंग है, भाजपा इस रूप में इसको प्रचारित कर रही है। वह तो जो है व्यक्तिगत मामला था, शादी ब्याह के लिए स्वाभाविक है, गार्जियन के रूप में उन्होंने कहा, अब उसको पॉलिटिकल रूप दिया जा रहा है, यह सब जो है एजेंडा है भाजपा का। और एक बात मैं बताता हूँ कि सुधांशु त्रिवेदी जी जो कह रहे थे, तो मैं यह कह रहा हूँ कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी को यह मालूम था कि अजीत पवार भ्रष्टाचारी हैं और उसके बाद उनको जो है सो मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, इसलिए वो कांग्रेस से जो पूछ रहे हैं सवाल है कि मालूम तो उनको था प्रधानमंत्री जी को कि हाँ साहब वह जो है सो भ्रष्टाचारी हैं, तो जानबूझकर भ्रष्टाचारी को वह शामिल किए, इससे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो 3 दिन पहले भ्रष्टाचार पर लंबी चौड़ी डिगे हाँक रहे थे उनकी विश्वसनीयता कम हुई है। रहा बिहार के बारे में आपने कहा, तो सुशील मोदी जी के बात का कोई महत्व नहीं रहता है, क्योंकि अब बड़े नेता रहे हैं इसलिए मीडिया में जगह भले ही मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर काफी मजाक। अरे उनके प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी बोल रहे हैं, केवल एक ही नेता नहीं है ना, सम्राट चौधरी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, चिराग पासवान बोल रहे हैं, लंबी फहरिस्त है ऐसे नेताओं की। मैं बोल रहा हूँ ना, देखिए ये लोग तो जो है सुनो का चरित्र जो रहा है, जब एनडीए में जनता दल यू शामिल थी उसी समय एनडीए के भाजपा के लोगों ने जनता दल यू को तोड़ने का प्रयास किया, और यह जानकारी हो गई जदयू के नेताओं को और नीतीश जी को जी। और इसी आधार पर उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ा था, क्योंकि लोग पीठ में छुरा भोंकने का जो साजिश कर रहे थे, खड्यंत कर रहे थे, वह खुल चुका था। कई विधायकों को इनके द्वारा प्रलोभन दिया गया था। अब सवाल है कि जो लोग जाने वाले थे, जिन लोगों को अपने एजेंट के रूप में जनता दल यू में रखे हुए थे, चाहे आरसीपी सिन्हा हो या उपेंद्र कुशवाहा, वे चले गए और भरम में। सच्चाई यह है कि भाजपा में भयंकर टूट होने वाली है, क्योंकि अब पार्लियामेंट का चुनाव होने वाला है, 17 पार्लियामेंट के मेंबर हैं भाजपा के, जो नीतीश जी के साथ रह के गठबंधन में रह के
चुनाव जीत के गए हैं पार्लियामेंट में, अब उनको यह एहसास हो गया है कि अब जो स्थिति बनी है इसमें हम लौटने वाले नहीं है। इसलिए जब भाजपा के जो सांसद हैं वे जनता दल यू और राजद से संपर्क कर रहे हैं कि शायद मुझे जो है सो जगह मिल जाए, सच्चाई यही है। और इसी से बचने के लिए ये लोग जो है सो बोल रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। बीजेपी बीजेपी के कितने विधायकों ने संपर्क किया है आरजेडी से, जेडीयू से? देखिए 17 सांसद है ना, मैं नाम नहीं खोलूंगा, लेकिन 17 सांसद क्यों नहीं खोलेंगे नाम? नहीं, नाम खुल जाएगा, नाम खुल जाएगा, क्योंकि यहाँ से एंट्री नहीं मिल रहा है। लेकिन 17 में जो है सो मैक्सिमम सांसद इनके जो है जो है सो अपना चूरघाट मिला रहे हैं, कभी राजद नेता से संपर्क कर रहे हैं, कभी जनता दल से, क्योंकि उनको एहसास हो गया है कि लौटने वाले नहीं है 2024 के चुनाव में, या जब भी लोकसभा का चुनाव होगा उस 17 में से एक भी लौटने वाले नहीं। बोलिए सांसद जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, बीजेपी के कई सांसद संपर्क में है जेडीयू और आरजेडी के? देखिए चित्रा जी, अभी जो कुछ दिख रहा है पूरे भारत में उसके ठीक विपरीत बोलने का प्रयास कर रहे हैं चित्रंजन जी, कोई बात नहीं, मैं उनकी बात का सम्मान करता हूँ। ये तब बोला जाता है जब आपको लगे कि आपकी सरकार बहुत खतरे में, तो जब ये कहा जाए सरकार को कोई खतरा नहीं, समझ लीजिए सरकार खतरे। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो नैतिक भ्रष्टाचार किया गया दोनों जगह, बिहार और महाराष्ट्र, देखिए अगर किसी भी दल की हंग असेंबली आई हो, बहुमत ना मिले, तो एक बार समझा जा सकता है कि आपको गठबंधन करना पड़े। वहां भाजपा शिवसेना को क्लियर मेजोरिटी मिली थी, जनता ने क्लियर मैंडेट दिया, पर केवल अपनी अहम मान्यता सत्ता के लिए शिवसेना ने महाविकास अघाड़ी बनाया। यहां पर जदयू भाजपा गठबंधन को स्पष्ट बहुमत दिया बिहार में, मगर नीतीश जी की व्यक्तिगत अहम मान्यता के कारण वो उधर की तरफ चले गए। तो ये तो सीधे सीधे जनादेश के साथ छलावा हुआ ना। देखिए अगर खंडित जनादेश हो तो हमें मान सकते हैं कि आपकी मजबूरी हो गई किसी भी दल की सरकार कैसे बनानी है, पर स्पष्ट जनादेश के साथ जब धोखा किया जाता है तो ये होता है। और मैं आपसे बात सारे लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, उनकी बात जल्दी से खत्म हो जाए। अभय जी भी कुछ जल्दी से सुधांशु जी, बस एक लाइन में मैं एक ही पंक्ति में कह देना चाहता हूं, ज्यादा नहीं, कि भाई अब जो कुछ दिख रहा है विपक्ष की तथाकथित महागठबंधन पे, तो उस पर दो पंक्ति कह देता हूं चित्रा जी, और समझिए मोदी जी की तरफ से कह देता हूं कि इस महागठबंधन का नशा उतरता चला गया, तू मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया, मंजिल समझ के बैठ गए जिस राह पे चंद लोग, पटना के लिए कह रहे हैं, मंजिल समझ के बैठ गए जिस राह पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। यह वास्तविकता है आज की राजनीति की। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन स्पष्ट मजबूत भारत की वे लेकर, और बाकी व्यक्तिगत अहम मान्यता के आपसी कुनबे को लेकर अपने परिवार और भ्रष्टाचार को बचाने की कवायद, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, और आपका अंदरूनी जो चीजें हैं वो खुद ब खुद उभर कर सामने आ रही है। अभय दुबे जी, जल्दी से एक क्लोजिंग कमेंट आपका। उधर तो छगन भुजबल ने भी कह दिया कि शरद पवार ने अंदरूनी पार्टी के भीतर कहा था कि 2024 में आएंगे तो मोदी ही, और राहुल गांधी का नाम पटना में प्रोजेक्ट कर दिया गया है, इसी वजह से तो सब कुछ नहीं हो रहा। इतना जी, मैं भी दो पंक्तियां सुधांशु जी को प्रधानमंत्री जी के लिए समर्पित कर देता हूं कि भ्रष्टाचार पर व्यवहार की झूठी गारंटी जारी रखें, सारे चोरों की फहरिस्त है आपके पास, सबकी सत्ता में भागीदारी रखें, क्या मुंह दिखाएंगे? जब आप शिंदे सेना के साथ अनैतिक गठबंधन बनाया ना, तब 5 में से 4 MLC के चुनाव हार गए, नागपुर में हार गए, अमरावती में हार गए, कस्बा पेट का उपचुनाव 25 साल बाद हारे हैं आप राजस्थान में हारे, छत्तीसगढ़ में हारे, कर्नाटका में ना दुखड़ा चला प्रधानमंत्री जी का ना मुखड़ा चला। अगर यही क्रम आपके जारी रखे गए ना सुधांशु जी, तो जनता सबक सिखाएगी।